नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? के यानी कीचड़ के कमल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला गुलदस्ता द बुके के 10वें अंक को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका अपना दोस्त नीरज ठाकुर। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मैकियावेली। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जेबी कृपलानी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। पांडे शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? वर्ष 326 ईस्वी पूर्व। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? उत्तर है पानीपत का पहला युद्ध। भारत में किस विख्यात नागरिक को संयुक्त राष्ट्र संघ की मानद नागरिकता प्रदान की गई थी? उत्तर है मदर टेरेसा को। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? उत्तर है भारत में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं है, जबकि ऐसे बहुत से देश हैं, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही नियुक्त किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारत में तथाकथित अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने प्रथम बार किस वर्ष किया? वर्ष 1932 में। अल्फांसो नमक आम के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर है रत्नागिरी। गन्ने में चीनी का प्रतिशत समानता कितना होता है? 10%। अंधी गुड़ाई का संबंध किस फसल से है? ब्लाइंड होइंग का संबंध गन्ना से है। अच्छे दही में अम्लता कितनी होती है? 0.7। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। CHO का कंपाउंड है ग्लूकोज। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? उत्तर है समताप मंडल में। हानिकारक परावैगनिक किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है ओजोन गैस। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। टाइफाइड नामक बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से। काकोरी डकैती कांड कब हुआ था? उत्तर है 1925 में, जिसके प्रमुख नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ बैगनी रंग सबसे कम दिखाई स्पष्ट पड़ेगी, जबकि यही तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण बल्कि सर्वाधिक होने के कारण लाल रंग अत्यधिक दूरी पर भी स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल होता है, ताकि हम दूर से भी इसे देख पाएं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है? उत्तर है अवतल लेंस। हर्ष के शासनकाल में उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन था? कन्नौज। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? चंदेलों के शासनकाल में। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या अफगानों के द्वारा किस स्थान पर की गई थी? नांदेड़ में की गई थी, जो सिखों का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है, श्रद्धा का। घाटशिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है ताम्र उत्खनन के लिए। तांबा की खुदाई के लिए भारत में सबसे प्रमुख स्थान झारखंड में स्थित घाटशिला है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अर्थात ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? उत्तर है वेवर। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि इससे बंगाल में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे कौन सा है? उत्तर है 7।
जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक लंबी है। भारत में विद्युत की प्रयुक्त आवृत्ति कितनी होती है? उत्तर है 50 हर्ट्स अर्थात 50 हर्ट्स। हम्पी की राजधानी, सॉरी हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? उत्तर है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हर्षवर्धन के काल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? उत्तर है वेनसांग। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले प्रशीतक कौन सा है? उत्तर है फ्रेयॉन। सुभाष देश नायक की उपाधि किसने दी थी? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस विटामिन की कमी के कारण हड्डी का रोग ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है? उत्तर है विटामिन डी के कारण। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर यह किस नदी पर निर्मित जलाशय है? उत्तर है चंबल नदी पर निर्मित जलाशय है। उत्तर है ये सारी जलाशय राजस्थान में स्थित हैं। इन्हीं जलाशयों के पानी के द्वारा राजस्थान का जो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। झारखंड की जादूगोड़ा की खाने किस ऐस के लिए भारत में प्रसिद्ध है? उत्तर है यूरेनियम के अयस्कों के लिए। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला रेडियो आइटोटॉप क्या है? उत्तर है कोबाल्ट 63। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? उत्तर है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि मुंबई में है। किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था, जबकि लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन को एक अनुमति प्रदान की गई थी। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? उत्तर है किरोसिन में। ठीक है, सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? उत्तर है बृहस्पति ग्रह के। तो दोस्तों, इसी के साथ गुलदस्ता का यह अंग यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले अंक में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सुधार, सुझाव और सराहना स्वागत योग्य है। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखें, इसके लिए बेहद ही शुभकामनाएं।